हेलो बच्चों, TWS परिवार में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम लोग कर रहे थे मैथ में अध्याय 1, जिसमें मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1 B तक करवा चुका हूँ। अब आज उसके आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें ये टॉपिक हमारा है अपरिमेय संख्या। आशा करता हूँ आप लोगों ने 1 B तक अच्छे से कर लिया होगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। मेरे ख्याल से अध्याय 1 B में एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को करने में प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आज मैं उसको करवा देता हूँ, फिर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये आपका प्रश्नावली 1 B का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, पहले वो कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है? तो वो क्वेश्चन है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें मेरे बुक में। तो जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या एन के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, बच्चों ये मतलब इस हमको प्रूफ करके दिखाना है, 6 के पावर n के रूप की अगर कोई संख्या होगी तो उसका लास्ट डिजिट जो है 0 आएगा इसको ओपन करने के बाद। इस क्वेश्चन को करने में शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, तो आज मैं आपको करवा देता हूँ ये। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ये दिया हुआ है प्राकृत संख्या है n। n जो है एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बच्चों 1 से लेकर अनंत तक होता है, जो भी है आप लोग जानते ही हैं ये सब चीज़ें। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे, इसका हल आइए करते हैं। हमारी संख्या क्या दी हुई है बच्चों, 6 के पावर n, ठीक है? इसको हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 3 के पावर n लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों, 6 के पावर n। अगर मैं किसी भी संख्या बच्चों, अगर कोई भी संख्या है जिसके किसी भी घात में, मतलब मान लीजिए कोई संख्या हमने ले लिया ऐसे n या 5 ले लिया, ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक है? तो अगर उसका गुणनखंड करने पर कोई उसमें 2 × 5, ठीक है, गुणनखंड करने पर उस संख्या का, जो भी संख्या है जिसके घात में कर रहे हैं हम लोग, जिसके लास्ट में हमें 0 चाहिए अगर उस संख्या में, तो उसका गुणनखंड करने पर 2 × 5 उसमें आना चाहिए उसके गुणनखंड में। लेकिन यहाँ पे बच्चों 2 × 3 है, मतलब 2 × 3 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद कि किसी संख्या के अंत में 0 आने के लिए उस संख्या के गुणनखंड में 2 × 5 आना चाहिए, जो कि 6 के पावर n में 6 का गुणनखंड करने पर नहीं आया। अतः 6 के पावर n अंक जो है कभी भी n के किसी भी मान के लिए 0 पर एंड नहीं होगी बच्चों, ठीक है? इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि है अपरिमेय संख्या, ठीक है? इसको हमने पहली क्लास में डिस्कस भी किया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या वो होती है जिस संख्या को P/Q भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, और अपरिमेय संख्या
जिसको नहीं लिखा जा सकता। अपरिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सबसे पहले जैसे अपरिमेय संख्या हो गया अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, या इसके मल्टीपल में 5√2, ये सारी संख्या है, या पाई। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम में, जो है एक नंबर में बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं उसमें पूछ देता है एक नंबर में कि पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप लोगों को यहाँ से ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे 22/7 को पूछा जाए बच्चों, 22/7, ठीक है, तो वो एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन पाई जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के हम टॉपिक पे चलते हैं। तो आपको यहाँ पे बच्चों हम लोग इसमें क्या सीखेंगे, इसमें हम लोग सीखेंगे कि इन संख्याओं को कैसे प्रूफ करेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसी टॉपिक पे आपका प्रश्नावली 1C कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू सीखते हैं कि कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बच्चों एक क्वेश्चन अपने मन से ले लेते हैं। चलिए एक संख्या √3, ठीक है। तो अभी √3 को हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये परिमेय संख्या, ये √3, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ दिया सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। हमको प्रूफ करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एक इसको हम लोग मान लेते हैं कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। ये मान लेते हैं, ये ऐसा है या नहीं ये तो हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी हम लोग मान लेते हैं कि √3 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक परिमेय संख्या बच्चों कुछ भी हो सकता है। जैसे परिमेय संख्या आप लोग जानती हैं 1, 2, 3, 4, 1/2, 2/3, कुछ भी परिमेय संख्या हो सकता है। तो अपने मन से एक परिमेय संख्या हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, जिसकी मान लीजिए कि दो एक अंश जिसका ए और हर जिसका बी है। ठीक है, ए और बी एक, ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, ए और बी दो पूर्णांक संख्याएं हैं जो कि सह अभाज्य हैं बच्चों। ठीक है, जो कि सह अभाज्य हैं। अभी सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ, मार्कर चेंज कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि सह अभाज्य का क्या मतलब होता है। ठीक है, सह अभाज्य का मतलब होता है कि उनका HCF, जो अभी हमने LCM HCF सीखा था, तो HCF एक हो। मतलब जैसे कि कोई भी ये है, ठीक है, 6/9, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका अगर हम लोग मसा निकालेंगे बच्चों तो इसका मसा 3 आएगा। ठीक है, लेकिन सह अभाज्य जो संख्याएँ होती हैं उनका HCF एक होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हम 3 से काट देते हैं, देखिए 3 × 6 = 3, 3 × 9, ये 2/3। अब इनका HCF आप लोग निकालेंगे तो 1 आएगा। तो ये दोनों जो है सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने a और b दो पूर्णांक ऐसी संख्याएं ली जिसमें कि a और b सह अभाज्य हों। तो यहाँ से एक परिमेय संख्या, ठीक है, जो √3 को परिमेय संख्या हमने माना है वो a/b के रूप का है, ये हम यहाँ पे मान लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए a/b इक्वल टू करनी में 3 कर लिया। ठीक है, क्योंकि हमने इसको मान लिया कि ये जो है दो पूर्णांक है जो सह अभाज्य है, तो इसको परिमेय
संख्या के रूप में लिख देंगे ऐसे कर लेंगे, तीन के इक्वल, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई अब इधर कर लेते हैं, तो ए बराबर अकॉर्डिंग तीन बी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अभी दोनों साइड का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर कर्डी में तीन बी का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो ये क्या आ गया, देखिए ए स्क्वायर बराबर थ्री बी स्क्वायर। अब देखिए क्या है बच्चों कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई थ्री, तीन इस साइड आएगा तो ए स्क्वायर बाई तीन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, देखिए ए स्क्वायर बाई तीन, इसका क्या मतलब हुआ कि ए स्क्वायर जो है वो तीन से भाज्य है, इस ए स्क्वायर में तीन का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर अगर तीन से भाज्य होगा तो इसका मतलब ये है कि ए भी तीन से भाज्य होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को समझा देता हूँ कि मान लीजिए कि 81 जो है, ठीक है बच्चों, 81 है, किसका स्क्वायर होता है ये 9 का। अभी अगर 9 तीन से डिवाइड हो जाता है, आप लोग जानते ही हैं, तो 81 भी तीन से डिवाइड होगा। इसी प्रकार इसमें अगर ए स्क्वायर तीन से डिवाइड हो रहा है तो ए भी तीन से डिवाइड होगा। अगर ए तीन से डिवाइड होगा तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर अगर, ठीक है, ये देखिए ए अगर यहाँ पे ए स्क्वायर अगर तीन से डिवाइड हो रहा है तो ए भी तीन से डिवाइड होगा। इसका मतलब ए से मान लीजिए थ्री इंटू सी, सी बार में डिवाइड हो रहा है। जैसे ए अगर, जैसे यहाँ पे देखिए कि तीन जो है इससे तीन बार में डिवाइड हो रहा है, तो तीन गुणा तीन हमने लिख दिया, तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे कि जो ए है वो तीन से सी बार में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे तीन गुणा सी लिख देंगे वहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे जैसे तीन तिया नौ होता है तो तीन गुणा तीन लिख सकते हैं, इसी प्रकार अगर ये तीन से सी बार में ये डिवाइड हो रहा है तो ए इक्वल टू थ्री सी लिख सकते हैं या तीन गुणा सी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, ये जो ऊपर इक्वेशन है हमारा इसमें हम लोग इसको रख देंगे। तो अभी आगे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे ये लिखेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए की जगह पे थ्री सी लिखते हैं तो नाइन सी स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को करके दिखा देता हूँ, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए ए की जगह पे ये हो जाएगा थ्री सी स्क्वायर बाई थ्री तो है पहले से, तो बी स्क्वायर बराबर नाइन सी स्क्वायर बाई थ्री, ठीक है। अभी इसको काट देंगे यहाँ से तो तीन एकम तीन, तीन तीन नौ हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बराबर थ्री सी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बाई थ्री। अभी फिर से यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि अगर बी स्क्वायर जो है थ्री से बी स्क्वायर में भाग चला जा रहा है, इसका मतलब ये होगा कि बी में भी तीन से भाग चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे भी सेम यही चीज़ लिखेंगे कि अगर अगर बी स्क्वायर तीन से भाज्य है तो बी भी तीन से भाज्य होगा, ठीक है बच्चों। अभी देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जो है ए भी तीन से भाज्य हो रहा है और बी भी तीन से भाज्य हो रहा है, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या माना था कि ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब है ए और बी दोनों में किसी भी संख्या से भाग नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये भाज्य हो जा रहा है। इसका मतलब कि हमने यहाँ पे जो माना था ये चीज़ हमारी गलत है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या ही होगी। तो अब इसलिए लिखेंगे कि हमारी कल्पना जो कि ए और बी सह अभाज्य हैं गलत
या असत्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं, गलत सिद्ध होती है। अतः अब ये गलत सिद्ध हो गई तो इसका मतलब ये भी गलत ही होगा, तो ये गलत होगा परिमेय न ही होगा तो फिर अपरिमेय ही होगा, तो लिख देंगे अतः करणी में 3-1 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, अभी ये आपका कंप्लीट हो गया। एक बार मैं फिर से इसको शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे संख्या दी हुई होगी उसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, तो आप लोग अपरिमेय का उल्टा मान लेंगे यहाँ पे कि माना वो संख्या परिमेय संख्या है। फिर अपने मन से दो पूर्णांक संख्याएँ लेंगे, दो परिमेय संख्याएँ लेंगे जिसको परिमेय संख्या भिन्न के रूप में लिखेंगे, जो कि सह अभाज्य होंगी। वो दोनों पूर्णांक संख्याएं सह अभाज्य होंगे। ठीक है, फिर उन सह अभाज्य संख्याओं को यहाँ पे एक संख्या से भाज्य सिद्ध कर देंगे हम, इस तरीके से जिस तरीके से मैं करके आपको बताया। फिर लास्ट में वही लिख देंगे कि हमारी कल्पना जो है, जो ये दोनों सह अभाज्य हैं, गलत सिद्ध होती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे और अलग टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करवा के बता देता हूँ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सब। चलिए आपके एक प्रश्नावली 1C से एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं इसमें, फिर बाकी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके प्रश्नावली से। अभी देखिए ये क्वेश्चन है बच्चों कि अगर आ जाए ऐसा कि दर्शाइए कि 5 -√3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी ये प्रूफ करना है, वहां पे तो था केवल करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि 5 - करणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो सेम वही प्रोसेस। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमने बताया था आपको पहले पिछले क्वेश्चन में कि क्या 5 - करणी में 3 1 परिमेय संख्या है। ठीक है, जो कि अब इसी में एक चीज है, और जो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि a/b के बराबर है, जहां a और b एक सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, ये इतना आपको लिखना है, संख्याएं हैं। और ये यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है कि उसमें b जो है 0 के बराबर नहीं होता है, ये चीज़ आप लोग जानते हैं कि b 0 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अभी अब इसमें लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब इसको, ठीक है, अभी a/b के बराबर लिख देंगे 5 - √3। ठीक है बच्चों, अभी रूट थ्री को इस साइड लेकर आते हैं और इसको इधर लेकर जाते हैं। रूट थ्री बराबर 5 + a/b। ठीक है, अभी ये देखिए यहाँ पे हमने इन दो संख्याओं को, ये दो पूर्णांक संख्या हमने ली हुई है देखिए बच्चों, और दोनों सह अभाज्य भी है। ठीक है, तो किसी पूर्णांक संख्या में कोई पूर्णांक, ये 5 अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, और सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये परिमेय संख्या हो गई ये सारी, और अभी हमने प्रूफ किया था पिछले क्वेश्चन में कि ये करणी में 3 1 अपरिमेय संख्या है, अभी हमने प्रूफ किया था। लेकिन यहाँ पे देखिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो गई, इसका मतलब कि ये गलत हो जाता है क्योंकि ये बराबर हो ही नहीं सकते, इसलिए हमने जो ये माना है ये गलत हो जाता है। तो फिर से वही लिखेंगे हम लोग कि हमारा ये कल्पना जो है गलत हो गया, इसलिए ये इतना एक अपरिमेय संख्या होती है। आइए मैं लिख कर एक बार आपको बता भी देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या था, 5 प्लस, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका माइनस 5 माइनस ए बाई बी। ठीक है, तो अभी क्या हम लोग लिखेंगे कि ए ए और बी पूर्णांक सह अभाज्य अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ए और बी पूर्णांक सह अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए इसलिए 5 माइनस ए बाई बी भी, सॉरी इसके बाद ये लिख देंगे, ए सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए बाई बी एक परिमेय संख्या होगी होगी, अतः 5 माइनस ए बाई भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं इधर लिख देता हूँ बच्चों। तो 5 माइनस ए बाई बी भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अभी जैसा कि हम जानते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय, अभी हमने पीछे ये सिद्ध किया था, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है असत्य होगी। ठीक है बच्चों, तो इतना लिखेंगे, इसके बाद हम लोग लिख देंगे कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको जो थोड़ा इससे अलग हो आपके चैप्टर में। इसके बाद आप लोग अपने प्रश्नावली 1C के सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपने यहाँ पे क्लास अच्छे से अटेंड की होगी तो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को और एक टाइप का करवा देता हूँ बच्चों। यहाँ पे ये ठीक है, दिखाइए कि ये आप लोगों के जो है प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 1 करवा देता हूँ अभी, इस टाइप का क्वेश्चन तो नहीं करवाया मैंने। तो सिद्ध कीजिए कि इसमें है, दिखाना है 3 अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। देखिए अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया बच्चों, की अभी तक सीख लिया अगर केवल एक संख्या को रूट में करके देगा तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसमें कुछ जोड़ के या घटा के देगा, प्लस ए या माइनस कुछ भी करके देगा, जैसे अंडर रूट 3 प्लस 5 दे दिया तब कैसे प्रूफ करेंगे। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसमें कि अगर मल्टीप्लाई दे दिया 3√3 या ऐसा कुछ दे दिया तभी कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब भी देखिए वही सेम है कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब भी ये कि वो एक अपरिमेय संख्या है, यही प्रूफ करना है। तो सेम उसमें भी यही करना है कि हम मान लेते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय
संख्या है, ये चीज मान लेते हैं सबसे पहले हम, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर वही काम करेंगे कि दो संख्या अपने मन से लेंगे जो दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है, सह अभाज्य पूर्णांक, ठीक है। तो और फिर इसके बाद मान लिए कि a बाई बी एक परिमेय संख्या है जहाँ a और b दो सह अभाज्य पूर्णांक या संख्याएं भी लिख सकते हैं, पूर्णांक हैं, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ पे बच्चों क्या है कि इस संख्या को हम इस प्रकार मानेंगे कि ये इसके इक्वल हो, ये तो अभी हमने पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो a बाई बी इक्वल टू 3√3, ठीक है। अब फिर से वही देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये एक परिमेय संख्या है हमने माना हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पूर्णांक हैं तो ये परिमेय संख्या ऑटोमेटिक होगा। अब क्या करेंगे इसके बाद बच्चों, देखिए अगले स्टेप में इस तीन को इस साइड लेकर आइए, तो a बाई 3b बराबर √3, बस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे कि जैसे हम लोग पहले से जानते हैं कि a बाई b एक परिमेय संख्या है, ये दोनों पूर्णांक है, अभी इसमें 3 से डिवाइड हुआ है, ठीक है, 3 से डिवाइड हुआ है, तो किसी भी परिमेय संख्या में किसी संख्या से आप किसी पूर्णांक से भाग देंगे या गुणा करेंगे तो भी वो परिमेय संख्या ही आएगी, या जोड़ेंगे या घटाएंगे कुछ भी, फिर भी वो परिमेय संख्या आएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a बाई 3b भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, ये परिमेय संख्या हो गई, और हमने प्रूफ किया हुआ है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों ये जो है कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में कैसे बराबर हो गई, पिछला वाला वही बात फिर से। तो फिर से ये हमारी चीज़ें जो है असत्य हो जाती हैं। तो फिर से हम वही जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने लिखा था जितनी सारी बातें, कि a बाई बी जो है एक परिमेय, ये a बाई 3b एक परिमेय है, जबकि हमने अभी सिद्ध किया था कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हमारी कल्पना ये जो 3√3 एक परिमेय संख्या है वो असत्य हो जाएगी, अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है, या इसी चीज़ को लिख सकते हैं कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इस प्रकार आप लोग प्रश्नावली 1c के सारे क्वेश्चन आसानी से हल कर सकते हैं। अब उस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं बचा है बच्चों जो कि आपको समझ में ना आए, ठीक है, जितने भी मैंने इसमें 3 टाइप के ही क्वेश्चन थे और मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। तो अब आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।